सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस वेलकम यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड एंड आई एम फ्रेंड शिवांश बसी। तो आज हम बात करेंगे कि 8 मई को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं ट्यूजडे के मार्केट पे, तो आज का सेशन कैसा गया, तो वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि आपको एक मैं ब्लॉग वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, वहां जाके जरूर विजिट करिए, मैंने अपनी बनाई है अभी। तो इंट्राडे गाइड 3@ आप www.intradeguide3.blogspot.com में जा सकते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाके अगर आप विजिट करेंगे उस वेबसाइट के अंदर तो वहां पर आपको बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएंगी। जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करी जाएगी, क्या एनालिस्ट सोचते हैं वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। जो अभी राकेश झुनझुनवाला, जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो कर सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला की अगर हम बात करते हैं तो वो लोगों ने कौन से स्टेक अभी शेयर्स में स्टेक बाय करा है या उस स्टेक को इंक्रीज करा है कि शेयर के अंदर, तो वो सारी यूजफुल इन्फो मैंने उसके अंदर दे रखी है। तो आप जाके उसमें विजिट जरूर कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। और भी जो मैक्रो और माइक्रो के अंदर जितनी भी इकोनॉमी के अंदर इंफॉर्मेशन होंगी जो स्टॉक मार्केट को काम करने में मदद कर सकती है या आपको ट्रेड लेने में मदद कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर पोस्ट करते रहूंगा और आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वहां पर जाके मेरी वेबसाइट को नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। एक बार आप अगर उसे रीड करेंगे मेरे पोस्ट को तो आप समझ जाएंगे कि ये एक बहुत यूजफुल पोस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो अभी आप जाके उसको देख सकते हैं, अगर वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख लीजिए, वरना पॉज करके एक बार उन पोस्ट को पढ़ जरूर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं 8 मई को क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमने 7 मई को क्या हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर या पूरी मार्केट के अंदर। तो हमें लग रहा था कि अगर हम बात करें कि आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आने हैं बहुत गंदे नतीजे आने हैं, जो आए भी थे, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हम कह रहे थे कि प्रॉफिट में भी 50% का लॉस हमें देखने को मिलेगा और वही हुआ था। पर हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि बहुत अच्छी मूव देखने को मिली हमें, इसने कॉन्ट्रा बेट हमें करते हुए देखा। हम सब लोग जो एनालिस्ट दिग्गज थे वो यही सोच रहे थे कि इसमें हमें सेल पोजिशन बनानी चाहिए क्योंकि अब इसमें गिरावट आ सकती है। पर जिस तरीके से इसने बाउंस बैक दिया और बहुत अच्छे हम कह सकते हैं लेवल्स पे इसने जाके अपनी क्लोजिंग दी है, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है 290-290.50 के आसपास, वहां पर जाके इसने इंट्राडे के ऊपर ही जाके हाई बनाया पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो शायद हम कह सकते हैं कि वहां से बाउंस बैक आने की संभावना देखने को मिल जाए क्योंकि नतीजे गंदे आ चुके हैं। पर अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत है और यही है जो शायद हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को और ऊपर के लेवल्स में लेकर जा सकता है और बैंक स्टॉक्स को यही हम कह सकते हैं कि डिटरमाइन करेगा कि अगर ये कल आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक चलने लग गया तो हम कह सकते हैं कि सारे बैंकिंग स्टॉक्स और ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादातर बैंक्स के पॉजिटिव हैं और हम कह सकते हैं कि बैंक ने जिस तरीके से अपने एक हर्डल को 3-4 दिन से जो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था वो मैं आपको चार्ट्स में आखिरी में दिखाऊंगा, उस लेवल के ऊपर उसने जाके क्लोजिंग दी और ट्रेड करने की कोशिश करी है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, हम बात करें निफ्टी की तो वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो मैंने आपको दोनों में बाय करने की सलाह दी थी और अगर आपने उसमें बाय करा होगा दोनों में तो आप अच्छे खासे मुनाफे में रहे होंगे, चाहे आपने फ्यूचर्स लिया होगा चाहे आपने ऑप्शंस लिया हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको स्टॉक्स रिकमेंड करे थे जिसमें मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक को सेल करने की ही सलाह दी थी,
पर हमने देखा था कि वो अच्छे खासे ऊपर लेवल्स पे खुला, तो हम उसमें ट्रेड नहीं ले पाए। हमने दूसरा जो आपको स्टॉक सजेस्ट करा था, नोसेल के बारे में सजेस्ट करा था, हमें उसके दोनों टारगेट्स और ऊपर के लेवल्स भी अचीव होते हुए दिख गए थे। हम बात करें पिडेलाइट के ऊपर, तो मैंने आपको पिडेलाइट के लिए 3 से 4 दिन के लिए आपको सेल करने की सलाह दी थी, पर हमने देखा कि आज ऊपर के लेवल में खुला था। पर मैं आपको वो रिकमेंडेशन अभी भी दे रहा हूँ कि आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, मुझे अभी भी उसमें गिरावट आते हुए दिख रही है। हम जो चौथी बात करिए, हमने जो चौथा हमने देखा था कि आपको मैंने सजेस्ट करा था आईटीसी के बारे में, तो आईटीसी ने भी ऊपर के लेवल्स हमें आते हुए दिखाए हैं, तो हमने देखा था कि ऊपर के लेवल्स में भी उसमें हमने हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए, उल्टा स्टॉप लॉस हिट हो गए। और जो मैंने आपको आखिरी कैडिला हेल्थ केयर दिया था, तो हम बात मान के चले तो हमें सिर्फ एक स्टॉक टारगेट हिट होते हुए देखे और कोई भी चार के चार हिट होते हुए नहीं दिखे, हमने उल्टा स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखे। तो आज इस सेशन में मुझे भी लॉस हुआ था और आपको भी जरूर लॉस हुआ होगा अगर आपने इसमें ट्रेड करा होगा। तो अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए ही मैं आपके लिए जो 8th of May के लिए लाया हूँ, बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना के लाया हूँ। जो अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी जिससे मैं फॉलो करता था, वही स्ट्रैटेजी से मैं आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ 8th of May के लिए, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तो बंधन बैंक, SBI, कावेरी सीड्स, बर्जर पेंट्स, जुबिलेंट फूड्स, ये 5 स्टॉक्स बाय सेल साइड की रिकमेंडेशन में आपको मैं दे रहा हूँ। बंधन बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी। हम कह रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो बहुत मजबूत है, पर हमें ये बंधन बैंक है जो मजबूत नहीं लग रहा चार्ट स्ट्रक्चर में, तो सेल करने की सलाह दी जाएगी। कॉन्ट्रा कॉल में आपको दे रहा हूँ बंधन बैंक के लिए 491, 486 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आप इसे 498 का लगा के चल सकते हैं। SBI में देखा था, SBI में बहुत अच्छी मूव आते भी देखी थी, और हमने देखा है कि आखिरी के कुछ मिनटों में इसमें डिलीवरी भी बनते हुए देखने को मिली है। हमने इसमें पोजीशंस बढ़ी हैं SBI में, और हम कह सकते हैं कि और ही ऊपर जाने का दमखम रखता है। 249.70, 249.82, 53 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 242.80 का लगा के चलना पड़ेगा। कावेरी सीड्स बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 517.55, 24 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 510 का लगा के चलना है। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर ये जो आपको करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा है उसके बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 50 to 70 पॉइंट्स ऊपर ही इसका एक रेजिस्टेंस है, जिससे शायद ये क्रॉस करने की कोशिश करे, और मुझे लगता है कि कल के मार्केट में ये क्रॉस कर देगा। अगर ये 515 या 516 के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो हम 524 तक के भी टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं कावेरी सीड्स के अंदर। बर्जर पेंट्स की बात करें, तो बर्जर पेंट्स का भी सेम हाल यही है कि ये एक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बाय करने की सलाह दी जाएगी, और ऊपर के मुझे लगता है कि लेवल्स इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। अगर ये 274 के लेवल को क्रॉस करती है, यानी 273.50 के ऊपर जाके सस्टेन करने को ट्रेड करती है, तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाइए। मैं आपको सलाह यही दूंगा, 273.50 के ऊपर ही इसे बाय करने की कोशिश करिएगा, और टारगेट आपको 276, 279 के मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 269.50 का लगा के बजा पेंट्स में चलना पड़ेगा। जुबिलेंट फूड की बात करें, तो हमने देखा था कि जुबिलेंट फूड ने शुरुआत में बहुत तेजी बनाई थी, फिर हमने उसमें आखिरी में शुरुआत बीचों बीच में गिरावट आते हुए देखी थी, पर वो उस गिरावट को रिकवर करने की कोशिश पूरा करते रहा, और हमने देखा कि आधी रिकवरी कर चुका था और अभी भी उसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जुबिलेंट फूड होगा एक ट्रेड, और हम कह सकते हैं कि कल इसके नतीजे भी आने हैं, तो ये बहुत अच्छे नतीजे दिखा सकता है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं, चार्ट साइड भी ये पॉजिटिव है और नतीजे जो इसके रिजल्ट आने क्वार्टरली उसमें भी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं इसे आप बाय करके चल सकते हैं 26.30, 26.65 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 25.92 का लगा के चलना होगा। एक बात आपको मैं इसमें और बताना चाहूंगा, अगर ये 26.15 या 26.17 के ऊपर निकलता है, तो आपको इसमें बाय करना है, और स्टॉप लॉस आपको 25.92 का मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा। पर अगर ये 26.15 के ऊपर निकलता है, तो भी आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है और सस्टेन करना जरूरी है। ये नहीं कि ऊपर निकल गया आपने तुरंत बाय कर लिया और वहां से नीचे आ गया, सस्टेन करना जरूरी होता है किसी स्टॉक को, तभी आपको उसको बाय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिसके बेसिस में भी कल आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उस पॉइंट्स को जरूर सुनिए। तो अगर हम बात करें, तो जो डॉलर की बात करते हैं, हमारा रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, 67 के ऊपर निकल गया है, 67.27 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनसे बेसिस जो स्टॉक्स हैं, जो अगर आईटी जो अगर हमारा डॉलर वीकेंड होता है, तो उसके बेसिस जो स्टॉक्स बढ़ते हैं या गिरते हैं उस पर आप बेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, तो क्रूड ऑयल के बेसिस में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का बेसिस हम कह सकते हैं 3% बढ़ चुका है 2 दिन के अंदर अंदर, और 75
60 के ऊपर वो जाके ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, तो हम कह सकते हैं कि उस पर भी आप बेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स बाय करने होते हैं अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने होते हैं, तो वो पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, तो वो इस आखिरी के वीडियो में आपको शो कर जाएगी, वहां जाके आप इसे देख सकते हैं उस वीडियो को, तो आप क्रूड ऑयल के बेसिस में स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो हम कह सकते हैं जो हमारा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस में जो NBFC कंपनीज हैं उन्हें फायदा हो सकता है, तो उस पर भी आप एक कॉन्ट्राबेट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि कल शायद ऑटो एंड सिलीरीज कंपनीज जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती है, तो आप उन पर भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको जो 3 बेसिस के पॉइंट्स में स्टॉक सजेस्ट करे हैं, आप उन पे ट्रेड लेके आप अपने एक पेपर पे नोट करिए कि ये स्टॉक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता था, और ये स्टॉक्स हैं इनके बेसिस में ये स्टॉक्स बहुत परफॉर्म अच्छा करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के दौर में बताऊं तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो अबान ऑफशोर, OIL ऑयल इंडिया, ये कुछ कंपनीज हैं जो बहुत आउट परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें कि ये कंपनीज में से कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं इंट्राडे में मार्केट पे, तो वो आपको चार्ट्स को रीड करिए। अगर आपको चार्ट्स रीड नहीं करना आता तो आप डेली चार्ट को ओपन करके देखिए, आप वहीं पर ही पता लगा लेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, तो आप उसी स्टॉक को नोट करके रखिए, और जब मार्केट ओपन होगा अगर वो स्टॉक आपके मोमेंटम में चल रहा है तो आप उसे बाय जरूर करिए। ऐसे आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि 5 स्टॉक्स हैं अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं आप 500 500 में ही लगा दीजिए, और ऐसा ना हो कि आप फिर लॉस में चले जाएं। तो जो स्टॉक्स अगर उस न्यूज के बेसिस में ऊपर जाता ही जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में ही आप ट्रेड करा करिए अगर वो आपके मोमेंटम में जा रहा हो। तो ये मैंने आपको वो चीजें बता दी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो शुगर सेक्टर की जो कंपनीज हैं एडवांस एंजाइम्स और बलरामपुर चीनी, ये 2 स्टॉक्स की मैं मेन बात कर रहा हूँ, इन 2 स्टॉक्स का भी चार्ट पैटर्न हमें सही देखने को लग रहा है, पर मैं आपको उसमें बेट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लोग जो बायर्स होते हैं वो जल्दी इसमें से पोजीशन हटा लें दे हैं इंट्राडे के अंदर अंदर ही, और इसमें फिर हम गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो आप इन 2 स्टॉक्स को आप एक बार अपने पेपर में नोट करके इनको वॉच कर सकते हैं। अगर ये आपके मोमेंटम के हिसाब से ऊपर जाने की शुरुआत करते हैं तो आप बलरामपुर चीनी और एडवांस एंजाइम्स दोनों के अंदर ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हम बात सॉरी एडवांस एंजाइम्स गलत आपको बता दिया, अवध शुगर की बात कर रहा हूं मैं, अवध शुगर और बलरामपुर चीनी, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्हें आप अपनी बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं कल के मार्केट के अंदर अंदर। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, और जो आपको मैंने जो फैक्टर्स बताए उनके बेसिस में आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं, तो आप उनके बेसिस में और स्टॉक्स लगा के आप अच्छा खासा मुनाफा कल के सेशन में कमा सकते हैं। अब हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हम देख सकते हैं कि मैं आपको सबसे पहले 2 चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको वॉच जरूर करना चाहिए जब मार्केट ओपन होने हो उससे 1 घंटा पहले, तो ये कुछ काम आपको भी करके रखने पड़ेंगे, जिससे अगर मैं आपको जैसे बाइंग की सलाह दे रहा हूं और हम कह सकें कि शायद अब मार्केट ऊपर की तरफ खुलने लगे तो आप लॉस ना कर पाए पर आप ट्रेड भी ना ले पाए। तो ये आपको 2 चीजें जरूर वॉच करके रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको US मार्केट को वॉच करना चाहिए। US मार्केट अगर ओपन हरे निशान में खुलता है या ग्रीन निशान में खुलता है और हम देखते हैं उसके बाद से उसमें गिरावट आनी भी शुरू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे जो मार्केट को है उसको भी नीचे लेकर जा सकता है या साइडवेज में रख सकता है। तो US मार्केट को वॉच करके चलिए। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो 200 पॉइंट्स ऊपर है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर उसके नीचे जाके वो क्लोजिंग देता है या उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो उसी हिसाब से हमारी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। XGS निफ्टी को जरूर वॉच करके चला करिए कि वो हमारी मोमेंटम के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और डॉलर और क्रूड ऑयल इन चीजों को आप जरूर वॉच करा करिए जब मार्केट ओपन होनी हो उससे पहले, तो इससे आप आपको ट्रेड करने में आसानी जरूर मिल जाया करेगी। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने अपने एक हर्डल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करी और बढ़ गया, और क्लोजिंग भी बहुत अच्छे लेवल्स पे उसने दी है। हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में भी दमखम है और ये और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखा सकता है। तो हम कह सकते हैं कर्नाटका के इलेक्शंस आने वाले हैं, तब हम देख सकते हैं कि 10 तारीख से थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट हो पाए, तो उससे पहले हम अच्छा खासा मुनाफा करके घर चले जाएं। और अगर उसके बीच में हमें कोई और अच्छे ट्रेड मिलते हैं या 10 से 15 दिन 5 तारीख के बीच बीच में, तो वो भी मैं आपको जरूर सजेस्ट करा करूंगा। तो निफ्टी में बैंक की आपको सलाह दी जाएगी 740 780 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 620 का लगा के चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की आपको मैं बता रहा हूँ कि 800 का लेवल वो शायद कल मार्केट में क्रॉस ना करे, और अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तो हम 900 तक के लेवल्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कल के मार्केट पे या परसों के मार्केट के अंदर अंदर ही। बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रांग इसका है, अगर कल आईसीआईसीआई बैंक साथ दे देता है तो सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही खुलेंगे और हम और अच्छे मोमेंटम के हिसाब से देख सकते हैं। बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको उसमें 25,910, 26,040 के लेवल्स के साथ, स्टॉप लॉस आपको 25,720 का लगा के चलना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार्ट शो कर रहा होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं 38.2% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था उस लेवल के ऊपर ये 4 दिन से, आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली 4 दिन से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसके ऊपर ये हाई तो बना देता पर उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाता था और उसके नीचे ही हम क्लोजिंग देख रहे थे। तो हमने आज इस लेवल को क्रॉस होते हुए देखा, यानी कि 25,660 के लेवल को हमने इसको क्रॉस होते हुए देखा, तो हम कह सकते हैं ये अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास जरूर जाएगा, यानी जो 26,050 का लेवल है। तो हम कह सकते हैं आपको इसमें बाइंग पोजीशन जरूर बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस आपको 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थोड़ा सा नीचे आपको इसमें रखना चाहिए और आप और ऊपर के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मे के एक्सपायरी के अंदर अंदर ही। अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में भी हमने देखा था ये इसने जो अपना एक बनाया था हाई, जो इसने अभी तक का बनाया है 10,780 के आसपास, वहां से हमने इसमें बाउंस बैक आते हुए देखी थी और इसने ये 13 मूविंग एवरेज के आसपास इसने अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करी, वहां से आज हमने इसमें एक और रिकवरी आते हुए देखी है। तो हम कह सकते हैं इसे स्टॉप लॉस बना के चलिए और हम 61.8% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास जाते हुए देख सकते हैं, यानी 10,740 और 10,780 के आसपास हम निफ्टी को कल के सेशन में जाते हुए देख सकते हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ये है मेरा ब्लॉग चैनल, आपको ऊपर यहाँ पर देख रहा होगा intradayguide3.blogspot.in, तो ये मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अबाउट माई सेल्फ के बारे में दिखा जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा राकेश झुनझुनवाला ने कौन से स्टेक बैंक में स्टेक्स जो उनका था उसे राइज कराया, टाटा मोटर्स का क्या डबल डिजिट ग्रोथ की अनुमान लगाई जा रही है, विजय बैंक का कैसा प्रॉफिट आया और बहुत सी जो खास चीजें हैं वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में इस चैनल पे इस साइट के अंदर शेयर करूंगा। तो इस साइट को आप जरूर वॉच करके चलिए, एक बार इसको विजिट करिए और आप इन सारी पोस्ट को रीड जरूर करिए, जिससे आपको मार्केट के अंदर जरूर फायदा होगा। अगर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं कैसे मार्केट को अच्छे से समझ पाता हूँ, कैसे मुझे पता लग पाता है कि अब हमें मार्केट में ये रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता, तो मैं मार्केट की जो न्यूजेज आती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ता हूँ, ए टू जेड पूरी न्यूज को पढ़ता हूँ, तो वो न्यूज से मुझे पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। मैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक अच्छे से रिसर्च करता हूँ कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से हमारी मार्केट कैसे सेंटिमेंट्स ले सकती है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ये न्यूज़ जरूर पढ़नी चाहिए और वही न्यूज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ डेली बेसिस में। तो वो सारी डेली बेसिस के अंदर न्यूज मैं इस ब्लॉगस्पॉट चैनल के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस साइट को जरूर वॉच करके चलिएगा। तो ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरी साइट कैसी लगी है, और अगर आपने रीड करा है तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, जो नए व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी नई वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आते रहूंगा, और बेल आइकन को दबाइए अगर आपने लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस देखनी हो मेरे इस चैनल के अंदर। तो एक खास बात और बताना चाहूंगा, तो मैंने आपको ले रात के लिए एक वीडियो बताई थी जिसकी आपको मैंने बताया था पीसी ज्वेलर को बाय करके चलिए, 240 तक ये जरूर जाएगा, और हमने देखा कि ये 240 पे ही जाके रुका और हमारे जो आपको मैंने बताया था वही बिल्कुल हुआ। तो आपने पीसी ज्वेलर में ट्रेड करा होगा एक कैश इक्विटी सेगमेंट पे, तो आप अच्छे खासे मुनाफे में रहे होंगे। तो अगर आपने उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया मेरी तरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि हाँ मैंने भी प्रॉफिट कमाया था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और कल नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।